महाकार्टून टीवी भूतिया जोकर। कुछ समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहने आया। उस परिवार में चार लोग रहते थे, पति, पत्नी और उनकी दो बेटियां बबली और गिन्नी। बबली और गिन्नी अपने नए घर में आकर बहुत खुश थी। वो अपने नए घर को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी और पूरे घर में घूम रही थी। घूमते हुए वो दोनों घर के तहखाने में चली जाती है, जहां गिन्नी को एक खिलौना जोकर मिलता है। जोकर को देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे अपने साथ ले जाती है। गिन्नी के पास खिलौना देखकर बबली उससे पूछती है, वाह, कितना सुंदर जोकर है, ये तुम्हें कहां मिला? ये मुझे घर के तहखाने में मिला। अच्छा, मतलब अब ये जोकर हमारा है? बबली और गिन्नी उस जोकर को पाकर बहुत खुश होती हैं और हर वक्त उस जोकर के साथ ही खेलती रहती हैं। एक दिन दोनों बहनों के स्कूल जाने के बाद वो जोकर अचानक कहीं गायब हो जाता है। स्कूल से घर आने के बाद दोनों बहनें जोकर को अपनी जगह ना पाकर हैरान हो जाती हैं और उसे पूरे घर में ढूंढने लगती हैं। लेकिन उन्हें वो जोकर कहीं नहीं मिलता, जिसकी वजह से दोनों बहनें उदास हो जाती हैं। शाम होने पर उनके मम्मी पापा काम से घर वापस आते हैं तो दोनों बच्चों को उदास देखकर उनसे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? पापा, हमारा जोकर कहीं गायब हो गया है। हमने पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन हमें वो कहीं मिल ही नहीं रहा। मेरी प्यारी बच्चियों, ऐसे उदास नहीं होते, वो एक जोकर ही तो था। मैं तुम दोनों के लिए नया जोकर ले आऊंगा। पापा की बात सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद आधी रात को गिन्नी की नींद खुलती है तो उसे अपने कमरे के दरवाजे के पास एक बड़ा जोकर खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और घबराते हुए बबली को उठाती है। बबली, बबली, वो देखो, देखो दरवाजे के पास एक डरावना जोकर है, जल्दी जल्दी उठो ना, देखो देखो वो हमें घूर रहा है। गिन्नी की आवाज सुनकर बबली उठती है और दरवाजे की तरफ देखती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता। गिन्नी, दरवाजे पर कोई नहीं है। लेकिन मैंने अभी वहाँ एक डरावने जोकर को खड़ा देखा, वो हमें घूर घूर कर देख रहा था। तुमने पक्का कोई बुरा सपना देखा होगा, चलो सो जाओ। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और वो जोकर गिन्नी को हर रोज दिखाई देने लगता है, पर घर में कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करता। एक रात गिन्नी अपने मम्मी पापा के पास सोने चली जाती है, जिसके बाद आधी रात को बबली की नींद खुलती है तो उसे भी कमरे के दरवाजे पर एक बड़ा डरावना जोकर खड़ा हुआ नजर आता है, जो उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। उस जोकर को देखकर बबली बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। बबली की चीख सुनकर उसके मम्मी पापा और गिन्नी की नींद खुल जाती है। क्या हुआ बबली, तुम इतनी तेज क्यों चिल्लाई, सब ठीक तो है ना? मैंने अभी अपने कमरे के दरवाजे के पास एक बहुत बड़ा जोकर देखा जो मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहा था। ये पक्का वही जोकर होगा जो मुझे भी वहाँ नजर आता है। बबली, गिन्नी, वो खिलौना जोकर तुम दोनों को बहुत पसंद था, शायद इसलिए अब वो तुम्हें सपनों में भी नजर आ रहा है और तुम उसे ही असलियत मान रही हो। तुम दोनों ने सिर्फ बुरा सपना देखा है बेटा। पापा की बात सुनकर बबली और गिन्नी सोचती हैं कि शायद वो सही बोल रहे हैं और सभी शांति से सो जाते हैं। अगले दिन काम पर जाते हुए मम्मी पापा अपनी बेटियों को लेकर चिंता जताते हुए एक दूसरे से कहते हैं, हम दोनों सुबह काम पर चले जाते हैं और दोनों बच्चियाँ स्कूल से आने के बाद घर में अकेली रहती हैं। क्यों ना हम घर में एक काम करने वाली बाई रख लें, जो पूरे समय घर पर रहकर बच्चों और घर का ख्याल रख सके। हाँ, तुम सही कह रही हो, हम आज ही घर के लिए किसी बाई को ढूंढते हैं। इसी तरह दिन बीत जाता है और रात को घर वापस आते समय
पापा मम्मी अपने साथ शिखा नाम की लड़की को घर लेकर आते हैं। मम्मी शिखा को बच्चों से मिलवाते हुए बोलती हैं, बबली गिन्नी ये शिखा दीदी हैं। कल से ये यहीं रहेंगी और हमारे काम पे जाने के बाद घर का और आपका ध्यान रखेंगी। बच्चों से मिलाने के बाद मम्मी शिखा को अपने साथ घर दिखाने के लिए ले जाती हैं। घर देखते हुए जब वो दोनों घर के तहखाने में पहुंचते हैं तो मम्मी शिखा से बोलती है, शिखा ये घर का तहखाना है। हम लोग जब से यहाँ आए हैं तब से एक बार भी इसकी सफाई नहीं हुई है, तो कल बच्चों के स्कूल जाने के बाद तुम इसकी सबसे पहले सफाई कर देना। जी ठीक है, मैं कर दूंगी। इसके बाद वो दोनों तहखाने से बाहर आने लगते हैं कि तभी शिखा को ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखने ही वाली होती है कि तभी मम्मी उसे आवाज लगा लेती है और वो पीछे देखे बिना ही तहखाने से बाहर चली जाती है। अगले दिन जब शिखा तहखाने की सफाई करने जाती है तो उसे कोने में एक बड़ा सा जोकर खड़ा दिखाई देता है। कल शायद मेरे पीछे यही जोकर होगा जिसे मैंने देखा नहीं था। शिखा जोकर को नजरअंदाज करके अपना काम करने लगती है, लेकिन वो जोकर उसे घूर घूर कर देख रहा होता है, जिससे शिखा को कुछ अच्छा नहीं लगता। वो जोकर से ध्यान हटाने के लिए उस पर एक कपड़ा डाल देती है और अपना काम पूरा करके वहां से चली जाती है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहता है, जिसके बाद एक रात मम्मी पापा को किसी काम के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। हमें घर आते हुए देर हो जाएगी, तुम बच्चों को सुला देना और हमारे आने तक कहीं मत जाना, यही रहना। मम्मी पापा के जाने के बाद शिखा दोनों बच्चों को सुला देती है और खुद हॉल में बैठकर टीवी देखने लगती है। टीवी देखते हुए अचानक उसकी नजर उसी डरावने जोकर पर पड़ती है जिसे उसने तहखाने में देखा था। ये जोकर तो कल तहखाने में था, ये यहाँ कैसे आ गया? क्या पता मालिक लेकर आए हों? ये सोचकर शिखा जोकर पे से ध्यान हटाकर टीवी देखने लगती है, जिसके बाद धीरे धीरे वो जोकर उसे घूरता हुआ आगे बढ़ने लगता है। ये सब देखकर शिखा बहुत डर जाती है और चिल्लाती है। शिखा की चीख सुनकर बबली और गिन्नी की नींद खुल जाती है और वो भागकर हॉल में आती हैं और वहाँ की लाइट्स ऑन करती हैं। क्या हुआ शिखा दीदी? वो डरावना जोकर वो घूरते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो अभी यहीं था, वो मुझे घूर रहा था और मेरी तरफ बढ़ रहा था, तुम्हारे लाइट जलाते ही गायब हो गया। शिखा की बात सुनकर बबली और गिन्नी भी डर जाती हैं। बच्चों को डरा हुआ देखकर और खुद भी परेशान होकर शिखा अपने मालिक को फोन करती है। मालिक, हॉल में एक बहुत बड़ा जोकर हम सभी को बहुत ज्यादा डरा रहा है। वो मुझे घूरता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन गिन्नी और बबली के आते ही गायब हो गया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। जोकर? कौन सा जोकर? हमारे यहाँ कोई जोकर नहीं है। लेकिन मालिक, यहाँ एक बहुत बड़ा और डरावना जोकर है जो पहले मुझे एक बार तहखाने में भी दिखा था। शिखा, हमारे घर में ऐसा कोई जोकर नहीं है, लेकिन बच्चों ने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है, इसलिए तुम बच्चों को लेकर जल्दी से बाहर निकल जाओ और पड़ोसियों से मदद मांगो। मालिक की बात सुनकर शिखा और ज्यादा डर जाती है और फोन रखकर जैसे ही वो बबली और गिन्नी की तरफ मुड़ती है तो बच्चों के पीछे अंधेरे में उसे जोकर खड़ा हुआ नजर आता है। गिन्नी, बबली, वो जोकर तुम्हारे पीछे है, जल्दी वहाँ से हटो। शिखा के बोलते ही गिन्नी और बबली डर के वहाँ से हट जाती हैं, जिसके बाद वो उस जगह की लाइट जलाती हैं, तो जोकर अचानक से डर जाता है और गायब हो जाता है। ये देखकर तीनों लड़कियाँ असमंजस में पड़ जाती हैं। तभी गिन्नी बोलती है, मुझे लगता है ये जोकर रोशनी से डरता है, तभी तो हमारी लाइट जलाते ही अचानक गायब हो गया।
तो क्यों ना हम सारे घर की लाइट जला दे, जिससे ये जोकर डर के भाग जाएगा। नहीं गिन्नी, हम कोई खतरा नहीं उठाएंगे। तुम्हारे पापा ने कहा है हमें इसी वक्त घर से बाहर निकलना होगा। शिखा की बात मानते हुए वो तीनों जैसे ही घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, तो वो जोकर फिर से उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर तीनों डर की वजह से घर में इधर उधर भागने लगती हैं। अब हम क्या करेंगे? मैं अब भी बोल रही हूँ, सभी जल्दी से सारे घर की लाइट जलाते जाओ, जिससे ये जोकर डर जाए और यहाँ से भाग जाए। कोई रास्ता ना पाकर वो सब गिन्नी की बात मानकर भागने लगती हैं। तभी जोकर उनका पीछा करते हुए बोलता है, ये घर मेरा है, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने तुम लोगों को इतना डराया, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ से नहीं गए, और अब तुम सब मरोगे। ये घर फिर से मेरा हो जाएगा। ये बोलते हुए जोकर उन सभी के पीछे पूरे घर में घूमता रहता है, जिसके साथ साथ वो तीनों भागते हुए पूरे घर की लाइट जला देती हैं, जिससे पूरे घर में रोशनी हो जाती है और जोकर घबरा कर इधर उधर छुपने के लिए कोई अंधेरे वाली जगह ढूंढने लगता है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई जगह नहीं मिलती। ये घर मेरा है, ये तुमने क्या किया? बंद करो इस रोशनी को, नफरत है मुझे इस रोशनी से। ये सब बोलते हुए वो जोकर छटपटाने लगता है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही वो फिर से एक छोटा खिलौना बन जाता है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। वो धुआं घर से बाहर निकल जाता है। तभी बाहर से घर का दरवाजा खुलता है और मम्मी पापा अंदर आते हैं। अपने मम्मी पापा को देखकर बबली और गिन्नी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद शिखा उन्हें सारी घटना विस्तार से बताती है। इसके बाद वो लोग शिखा को उसके घर वापस भेज देते हैं और उस खिलौना जोकर को घर से दूर फेंक देते हैं। इस तरह बबली और गिन्नी के परिवार को और उनके घर को भूतिया जोकर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और वो सब उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और आपको हमारी कहानी कैसी लगी? ये सब जल्दी से हमें कमेंट करके जरूर बताना, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।